तू अकेला है ना विश्वास करने वाला, तू अकेली ही है ना विश्वास करने वाली। अगर तू विश्वास नहीं करेगी ना तो तेरा घराना उद्धार कैसे पा सकता है? अगर तू विश्वास नहीं करेगा तो तेरी जनरेशन कैसे उद्धार पा सकती है? ध्यान से सुन, मुझे पता है कि तू अकेली है और तू सच में अकेला है। तेरे बाप के होते हुए भी तुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ किससे मैं अपनी बातें शेयर करूं, मेरे बाप ने तो मुझे घर से निकाल दिया। तेरी माँ के होते हुए भी तुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी हेल्प करने वाला नहीं है। माँ से भी करूं तो क्या बात शेयर करूं, माँ के पास क्या हाल है, पहले से ही वो टेंशन में है। भाई के होते हुए, बहनों के होते हुए भी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वो मेरे दुख को क्यों नहीं पूछते हैं, अगर पूछते भी हैं तो हल नहीं होता है, और मैं बताऊं तो किसको बताऊं, क्या कोई है ऐसा? मुझे पता है कि तू अकेला है, मालूम है तू अकेली है और आंसू बहाती है, इंतजार करती है कि कब मेरा पति और मेरा घराना बदलेगा। तू इंतजार करता है कि तेरी लाइफ कब सेट होगी, कब तू अपने पैरों पर खड़ा होगा। तू मेरे लिए जीना तो चाहता है लेकिन जी नहीं पा रहा है। तू जीना तो चाहती है, अपना जीवन तूने मुझे दिया है, मेरे लिए तू काम करना चाहती है, अपने आप को दे चुकी है, मैं जानता हूँ। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसे विचार हैं जो तुझे मुझसे कई कई बार दूर कर देते हैं। मैंने सोचा तो तेरे लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ सोचा है। याद कर मेरे नबी मूसा को, वो अकेला था। अकेला कब था, कैसे था? जब उसकी माँ के द्वारा जब वो जन्माया गया तो उस समय एक ललकार हुई कि जो भी जन्माए बच्चे हैं, जो भी लड़के हैं, उनको मार दिया जाए। तो उसकी माँ ने भी उसको एक टोकरी में बिठाकर पानी में बहा दिया, अकेला पड़ गया। तू भी आज अकेली है ना, तू भी आज अकेला है। ध्यान से सुन, मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूँ, तुझसे मुझे बहुत बड़ा काम लेना है। तू हिजाब बांध ले और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे, एक कोना पकड़, इंतजार कर, प्रार्थना कर, मैं तुझे भरूंगा, तेरी सुनूंगा, मैं तेरे मार्गों को तैयार करूंगा, अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। लेकिन कब? ध्यान से सुन, जब मूसा अकेला था, पानी में बहा दिया गया, उसके बाद वो कहाँ पहुंचा? वो उस महल में पहुंचा जिस महल के राजा के द्वारा ये ललकार हुई थी, ये कहला भेजा गया था कि इस शहर में, इस देश में, इस जगह पर जो भी लड़के पैदा हुए हैं उनको मार डालो। तो जिस राजा ने ये आज्ञा निकलवाई थी कि जो जो लड़के पैदा हुए हैं उनको मरवा डालो, तो परमेश्वर ने उसी बच्चे को उसी राजा के घर में पलवा दिया। उसने आश्चर्य कर्म प्रकट किए, काम किया, अपनी सामर्थ को प्रकट किया। उसकी माँ आंसू बहा रही थी कि प्रभु मेरे बेटे का क्या होगा, अब उसको मैंने बहा दिया है, तेरे हाथों में सौंप दिया है, वो अकेला है। लेकिन वो अकेला नहीं था, यहोवा उसके साथ था। वो बहते बहते एक टोकरी के अंदर उस राजा की बेटी के पास पहुंचा और वो वहां पर नदी के किनारे नहा रही थी और उसने उस बच्चे को उठाया, उसने कहा मैं पालूंगी इसको। सोचो परमेश्वर ने कितनी अद्भुत योजना बनाई है। मूसा को जो मारने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसी शत्रु के घर में मूसा को पलवा दिया, सोचो। और मूसा का पालन पोषण उसी राजा के घराने में हुआ, वो अच्छे से रहा। मूसा बड़ा हुआ तो उसने देखा कि मेरे इजरायली लोगों को, हाँ मैं इजरायली हूँ और ये भी मेरे इजरायली, मेरी कौम के, मेरे साथ के लोग हैं, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, ये सारी बात मुझे याद पता चली। और तो मूसा ने देखा कि एक मिस्री इजरायली को मार रहा है, तो मूसा ने उस मिस्री को मारा और वहाँ से भाग गया। तो मूसा फिर से अकेला हो गया, और मूसा जब अकेला पड़ा तो 40 साल तक वो अपने उस राजपाट से, राजा वाली पदवी से, राजा वाले अधिकारों से दूर रहा, रेगिस्तान में, जंगलों में रहने लगा, भेड़ बकरियां चराने लगा और किसी का दास बनकर रहने लगा। मूसा का रहना सहना पहले कैसा था, बहुत एक रुतबे वाला था और एक शान वाला था, लेकिन उन 40 साल के अंदर अंदर परमेश्वर ने मूसा को जब उसके राजपथ से जब हटाया, जब मूसा को वहां से भगाया, तो उसके बाद से लेकर 40 साल तक मूसा को परमेश्वर ने जंगल में दीन और नम्र बनाया। ध्यान से समझना, जंगल में दीन और नम्र बनाया। जंगल क्या दिखाता है? ऊंट कटारे, कांटे, झाड़ियां, जहरीले सर्प और समस्याएं, थोड़ा सा कभी कभी भूख भी, कुछ बड़ी बड़ी समस्याएं, कुछ जानवर भी, उनसे बचना, लड़ना, छुपना, भागना, कई बार घायल होना था, और घायल होने के साथ साथ भी परमेश्वर मूसा के साथ था, लेकिन मूसा नहीं जानता था। ध्यान से समझना, तो मूसा के साथ हुआ क्या, 40 साल तक परमेश्वर ने मूसा को दीन किया, नम्र किया, हम्बल किया, जीरो किया, क्योंकि खुदावन ने इस बारे में स्वयं गवाही दी है कि मूसा के समान पूरी पृथ्वी भर में मुझे कोई नम्र और दीन कोई ना मिला।
इसीलिए परमेश्वर ने मूसा से बात की। आज वो आपको और मुझे नम्र और दीन बनाना चाहता है। वो आज चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी आप तू किसी पर भरोसा मत रख, छूट गई ना अकेली, कब तक रहेगी, कब तक का आनंद है तेरा संसारिक का। तू लोगों को अच्छा कर करके दे रही है, अगर तू करके दे रही है, अगर तू अच्छा कर करके दे रहा है, अच्छी हेल्प कर रहा है, अपनी तरफ से बेस्ट करके लोगों को दे रहा है, तो वो आज तेरी केयर कर रहे हैं। लेकिन जहां तूने बंद कर दिया या स्टॉप कर दिया या जहां तुझसे नहीं हो सका, तो ध्यान रखियो तुझे मुंह की खानी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया मतलब की है। लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, जगत के अंत तक सदा मैं तेरे साथ रहूंगा। लेकिन तू मेरे प्यार को जान ही नहीं सके हो। प्रभु कहता है कि देख, मुझे जीवित पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, इससे तुम परमेश्वर की जीवित और भली भावती इच्छा को मालूम कर सको। परमेश्वर हमारा तन नहीं मांग रहा है, हमारा शरीर नहीं मांग रहा है, परमेश्वर मांगता है हमारा समय और उसके अनुसार चलना और उसकी आज्ञा में बने रहना। और प्रभु का वचन कहता है कि देख, संसार का सदृश ना बनो, तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आज बहुत से लोगों को लग रहा है कि ये दुख की भट्टी में प्रभु कब तक तू मुझे परखेगा, ये कब तक मैं इस परीक्षा में गुजरता रहूंगा, प्रभु मुझे निकाल। तू क्या सिखाना चाहता है इस परीक्षा के द्वारा, तू क्या सिखाना चाहता है इन परिस्थितियों के द्वारा, इन लोगों के द्वारा, इस विरोध के द्वारा, तू क्या सिखाना चाहता है मेरे पति और मेरी पत्नी के द्वारा, हमारे घर परिवार के द्वारा, मेरे दोस्तों के द्वारा, प्रभु तू क्या सिखाना चाहता है। जो तू सिखाना चाहता है प्रभु जल्द से जल्द सिखा और अपनी आत्मा और सामर्थ्य से भर। और प्रभु तेरा वचन कहता है तू सहने से बाहर परीक्षा नहीं लेगा, प्रभु मेरी विश्वास और आशा टूटने से पहले बचा ले। तो मेरे भाई और बहनों, खुदावन उतर कर आता है। कब आया? जब मूसा बिल्कुल अकेला पड़ गया, उसके बाल खराब हो गए, उसके जूते खराब हो गए और उसकी लाठी तक भी घिस चुकी थी। मतलब ऐसी हालत हो गई थी मूसा की कि कोई मदद करने वाला नहीं, बिल्कुल अकेला सा पड़ गया। जब वो अपनी पुरानी जिंदगी को देखता था ना, तो अपने आप को समझने की कोशिश करना, इमेजिनेशन करके देखना इस बात को कि सपोज आप एक मूसा हो, मूसा की जगह हो, तो एक बात मन में आती, यार पहले मैं कितना अच्छा था, सिंहासन पर बैठता था, शाही वस्त्र पहनता था, जो मन में आए वो खाता था और अधिकार और हुक्म चलाता था लोगों पर, और जिस पर जो जिसके साथ जो चाहे वो मैं करता था और मैं अपनी मर्जी का मालिक था। लेकिन आज मेरे कपड़ों की हालत देखो, मैं सो नहीं पाता हूँ, रात को सोता हूँ तो सोचता हूँ कि सुबह कब होगी, सोता हूँ जब सुबह जागता हूँ, जब सुबह काम करता हूँ तो सोचता हूँ कि रात कब होगी कि मैं आराम करूँ। दिन प्रतिदिन मेरे आंखों में आंसू और टेंशन और चिंताएं और परेशानी कि अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा, अब रास्ता कैसे निकलेगा, अब क्या करूँ, ये सारी चिंताएं परेशानियां क्या मूसा के पास नहीं थी? मूसा कोई मतलब लकड़ी मट्टी का पुतला नहीं था, मूसा भी आपके और हमारे समान सुख दुख भोगी व्यक्ति रहे हैं। तो जब ऐसा हुआ, परमेश्वर ने देखा कि मूसा सच में अब बहुत दीन और नम्र बन चुका है, अब ये बहुत नम्रता से अपने आप को प्रकट करता है, कोई घमंड की बात नहीं है, कोई लड़ाई दंगे वाली बात नहीं है, कोई बैर भाव की बात नहीं है, सबसे दीनता नम्रता से प्रेम से पेश आ रहा है। तो जब परमेश्वर ने मूसा की इस दीनता नम्रता को देखा, आज वो आपकी दीनता नम्रता को टेस्ट कर रहा है, चेक कर रहा है कि आप कितने दीन और नम्र हो। जब आपके ऊपर दोष लगाया जाता है, जब आपकी बुराई की जाती है, जब आपकी निंदा की जाती है, जब आपके साथ गलत बर्ताव किया जाता है, तो उस समय आपके अंदर से क्या निकलता है? क्या गुस्सा निकलेगा, या लड़ाई निकलेगी, या गाली निकलेगी, या बुराई निकलेगी, या नामाफी की बातें, या फिर मतलब मुंह बना लेना, या क्रोध कर देना, या हत्या कर देना, या हाथ उठा लेना? उस समय डिपेंड करता है कि क्या निकल रहा है। अगर हमारे अंदर से, अगर आपके अंदर से, मेरे अंदर से उसी समय जब हमें दबाया जा रहा था टेंशन चिंता परेशानी के द्वारा, अगर आप सही भी हो तब भी आपको सताया जा रहा था, अगर उस समय आपकी जुबान से आशीष निकल रही है, दया निकल रही है, अनुग्रह निकल रहा है, क्षमा निकल रही है, माफी निकल रही है ना, तो इसे कहते हैं मसीह के स्वभाव में बढ़ना। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। पुराने मनुष्यत्व को तुमने मुझ पर विश्वास करने के कारण उतार दिया है, वरन तुमने मुझे पैर लिया है, इसीलिए संसार का सदृश ना बनो। पहले क्या करते थे? चांटे के बदले चांटा, गाली के बदले गाली, झूठ के बदले झूठ, लड़ाई के बदले लड़ाई, और किसी के साथ किसी ने बुरा कर दिया तो उसके साथ बुरा करना। लेकिन बेटा, तुमने जब से मुझ पर विश्वास किया है, मेरी बेटी, तूने मुझ पर जब से विश्वास किया है, जब से तूने मुझे पहर लिया है, तो अपने पुराने मनुष्यत्व को आज उतार डाल, जिसके द्वारा तेरी आशीष रुकी पड़ी थी,
जिसके द्वारा तेरी बुलाहट रुकी पड़ी थी, जिसके द्वारा तू आगे नहीं बढ़ पा रहा था, जिसके द्वारा तेरी आत्मिक उन्नति नहीं हो पा रही थी, उसको उतार डाल। तूने मुझ पर भरोसा किया है तो मुझसे प्रेम रख, सब कुछ तेरे पीछे आएगा। मुझसे मांग, मुझ पर विश्वास कर, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। संसार, मनुष्य धोखा देता है, ध्यान से समझना मेरे भाई और मां। खुदा कहता है आज, मैं तुझे दीन और नम्र बना रहा हूं। सब जगह से तेरे दरवाजे बंद हो गए, तेरे अपनों ने छोड़ दिया, अपनों ने दिल दुखाया, अपनों ने सताया, जिस पर भरोसा किया उसने भी तेरी ओर पीठ दिखा दी। और आज मैं तुझसे कह रहा हूं, मैं तुझे टेस्ट कर रहा हूं, मैं तुझे मजबूत कर रहा हूं, ताकि तू मनुष्य की ओर ना जाए। अपने मन को बदल ले, अपने विचारों को बदल ले, अपने शब्दों को बदल ले, अपने कामों को मुझ पर डाल दे, अपना दिमाग मत लगा, क्योंकि तूने पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया। तू पहले मुझे नहीं जानती थी, नहीं जानता था, तुम अपना दिमाग चलाते थे और अपनी समस्याओं में पड़ जाते थे, लेकिन आज अपने कामों को तू आज मुझ पर डाल दे। प्रभु आज कहता है मेरे भाई और बहनों, आपसे कह रहा है वो कि देख, तुमने अब तक बहुत दिमाग चलाया, बहुत बुद्धि चलाई, अपने तरीके से सब कुछ करने की कोशिश करी, तुमने मेरी अगुवाई नहीं मांगी। मुझसे मांग, अपने सारे कामों को मुझ पर डाल दे, तो तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी, तेरे हाथ के सभी कामों को मैं सफल करूंगा। कब? जब तू मेरे ग्रहणियों के जीवन जिएगी, जब तू मेरे अनुसार चलेगा। तो मूसा को जब परमेश्वर ने देखा, वो बहुत दीन और नम्र हो चुका है, अब कोई सहारा नहीं है, मुंह से हकलाता है, शकल का भद्दा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात करता भी है तो ऐसे धिक्कार देता जैसे कि एक नौकर चाकर हो या कोई कवाड़ी हो। लेकिन ध्यान से समझना, उसी मूसा को खुदावंद ने बात करी, उस देश के किसी भी लोगों से बात नहीं करी, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक, पूरी पृथ्वी भर में मूसा ही ऐसा व्यक्ति था जो दीन और नम्र था। और यहोवा ने बात करी, कहा झाड़ियों में से बात करी, क्योंकि मूसा ने झाड़ियों को देखा, वो जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है, वो राख नहीं बन रही, आग तो लगी पड़ी है उनमें, ऐसा क्या? एक बार जाकर तो देखूं। आवाज आई, मूसा मूसा, फिर से आवाज आई, मूसा मूसा, मैं तेरा इब्राहिम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर हूं। अपनी चप्पलों को पीछे उतार दे, क्योंकि जिस भूमि पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। यहोवा ने मूसा से बात की। अगर आप निर्गमन पढ़ोगे ना, निर्गमन के अगर आप शुरुआती अध्याय पढ़ोगे तो साफ लिखा है, पहली आयत में यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा। आज इस बात के लिए मैं भी इतना बेचैन होता हूं कि खुदा, जैसे तू मूसा से आमने सामने बात करता था, इनको पढ़कर तो हम ऐसे ही निकल जाते, लेकिन इस एक शब्द की भी गहराई कितनी है। यही तो जिंदगी है, वचन को पढ़ना ही नहीं, वरन वचन को अपनी जिंदगी में लेना, वचन में जीना। मूसा जीना शुरू कर चुके थे, किसमें? दीनता और नम्रता में। और यही कारण है कि परमेश्वर ने मूसा से बात की। मूसा अकेला था, लिखा है वो अनाथों का पिता है और विधवाओं का पति है, जिसका कोई नहीं है, उसका सेनाओं का यहोवा है, उसका परमेश्वर है। मूसा सब प्रकार का धिक्कारा हुआ था, नकारा हुआ था। मूसा मतलब उस राजपद को छोड़कर भागकर आ गया था। मूसा को मारने के लिए लोग पड़े हुए थे, पीछे छुपे हुए थे, मारना चाहते थे, कोई अपने घर में पना नहीं दे रहा था, यहां तक कि इस्तेमाल किया गया था मूसा का। क्या आज आपका इस्तेमाल नहीं हो रहा? क्या आज आपको इस्तेमाल नहीं करते आपके लोग, आपके परिवार, जहां पर आप काम करते हो? क्या सच में आपको उस ऐसी जगहों से प्यार मिलता है? अब ये मत सोचना कि जहां से प्यार नहीं मिल रहा तो आपका वो विरोधी है। यीशु को किसने प्यार किया? सोचो, यीशु भी सूली पर अकेला था, चेले भी छोड़कर भाग गए थे, सिर्फ एक चेला बचा हुआ था जिसको यीशु ने कहा था, यहुन्ना ये तेरी माँ है, मरियम ये तेरा बेटा है। बस यीशु भी अकेला रह गया था मेरे भाई और बहनों, वो भी अकेला रह गया था, आया अकेला था, काम भी अकेले किया, और जब सूली पर चढ़ाया जाना था उस समय भी अकेला चढ़ाया गया। पतरस ने कहा तेरे लिए तो मैं अपना जान भी दे दूंगा, लेकिन पतरस भी अलग हो गया। हम कहते तो हैं प्रभु तेरे लिए सब कुछ कर देंगे, लेकिन छोड़ देते हैं हम उसको। मूसा के साथ क्या हुआ? मूसा अकेला पड़ गया था, प्रभु ने बात करी। कब बात करी? जब हम दीन और नम्र बनते हैं। वो मूसा की परीक्षा का समय था, वो 40 साल। आप ये मत समझना कि मूसा की 40 साल परीक्षा हुई थी तो हमारा क्या होगा। मेरे भाई और बहनों, प्रभु हमारे हृदय को जांचता है, वो हमारे मन को जानता है, और वो हमारी परिस्थिति को समझता है, वो हमारी जिम्मेदारी को जानता है, वो सहने से बाहर परीक्षा नहीं लेता है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस मूसा के साथ हुई थी कि मूसा ने बहुत शाही घराने में अपनी जिंदगी गुजारी,
और फिर उसके बाद उनको वो दीन और नम्र बनने में समय लगा। इसीलिए वो चालीस वर्ष में मूसा को तैयार किया गया, प्रभु ने मूसा को तैयार किया गया। भले ही मूसा परमेश्वर को नहीं जानता था, कभी देखा नहीं था, कभी आवाज नहीं सुनी थी। क्यों? क्योंकि मूसा की कुर्सी पर, मूसा के मन की कुर्सी पर कोई और बैठा हुआ था। कौन बैठा था? धन, दौलत, अधिकार, सामर्थ और एक गर्व, बहुत कुछ था। एक शाही जिंदगी, एक रिची फैमिली, एक ब्लेसेड लाइफ। लेकिन जैसे ही मूसा घोड़े पर से उतरा, जैसे ही मूसा अपनी उस राजगद्दी को छोड़ा और वहां से भागा, जब उसके मन में से इस प्रकार की, उसके मन की कुर्सी में से जब ये शाहीपन और ये ब्लेसेड लाइफ, अम्बेसडर लाइफ, जब ये अच्छी से अच्छी जिंदगी वाली बातें, विचार, काम, शब्द, आदतें जब जाती रही ना, तो वो कुर्सी खाली हो गई। प्रभु ने कहा अब मूसा सच में हल्का हो चुका है और मूसा की उम्र भी ज़्यादा हो गई है और मूसा ने सच में उन बुरी अभिलाषाओं को अपने जीवन से दूर कर दिया है। अब समय आ चुका है, प्रभु ने कहा कि मूसा सच में आज दीन और नम्र बन चुका है। अब मैं इसको और दुख में नहीं देख सकता और ना ही अब मैं इसको और दुख उठाने दूंगा। हाँ, गलतियाँ की इसने, हाँ हत्या हुई, लेकिन इसने अपनी गलती का पश्चाताप किया, इसने अपने आप को पूरा बदल लिया। जो बात इसके अंदर पुराने समय में थी, जो पुराना मनुष्यत्व था, वो आज इसके जीवन में नहीं है। आज ये बिल्कुल दीन और नम्र बन चुका है। तो अब मैं देर नहीं करूँगा। पिता ने बात करी, वो आपसे बात करना चाहता है। कोई मनुष्य बुरा नहीं है, वो तो खुद चाहता है कि हम दीन और नम्र बने, प्रेम करें, क्षमा करें, अनुग्रह करें। लेकिन हम परीक्षा में अपनी ही अभिलाषाओं के कारण परीक्षा में फंसे थे और अभिलाषा गर्भवती होती है और वो पाप को जनती है। जिसे देख रहे हैं, अगर हम उससे प्रेम नहीं कर रहे, तो जिसे हम नहीं देखते तो उससे कैसे प्रेम करेंगे? तो मूसा बहुत दीन और नम्र बना। उन 40 वर्षों के बीच में मूसा की बहुत खतरनाक परीक्षा हुई। कई बार खाने के लाले पड़े, कई बार पहनने के लाले पड़े, कई बार सोने की जगह नहीं मिली, कई बार ऐसी हालत हो गई थी कि नौकर बन गए थे बिल्कुल। कई बार आपको लगता है कि आपको महसूस होता होगा कि यार मेरी जिंदगी अच्छे से क्यों नहीं चल रही है, मुझ पर हुकुम चलाया जा रहा है, बॉस मुझ पर अधिकार जमाते हैं, मेरी सैलरी नहीं मिलती है, मैं किराया कहाँ से दूँ, मेरी घर की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा हूँ, मैं प्रभु की प्रार्थना में नहीं बैठ पा रही, मेरे पापा नहीं बदल रहे, मेरी माँ नहीं बदल रही है, मेरा परिवार नहीं बदल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी बातों को लेकर आप लोग आज जो चिंता में हो ना, तो ध्यान रखना, कुछ समय दुख सहने के बाद तुम्हारे लिए बहुत बड़ा आनंद और बहुत ब्लेसेड रिवॉर्ड रखा है। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, गिफ्ट तो इंसान गुप्त में देता है, लेकिन रिवॉर्ड दुनिया के सामने दिया जाता है। खुदावंद आपको उठाने पर है, लेकिन वो ये चाहता है कि हम उसके समान दीन और नम्र बने। वो इन परीक्षाओं के चलते हुए, होते हुए जो हमें सिखाना चाहता है, उसको हम सीखे और नम्र और दीनता के साथ चलते जाएं और वो हमसे बात करें, उसकी सुने, उसके अनुसार चलें, ताकि हमारे गलत कामों के कारण, हमारे पुराने मनुष्यत्व के कारण, हमारी पुरानी अभिलाषा, पुराने बात और हमारे पुराने चाल चलन के कारण हम अपनी परीक्षा को और लंबा ना करें, हमारे पुरानी बातों, कामों, चाल चलन के अनुसार ना चले हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चले। वरन जैसा प्रभु का आत्मा आज हमें सिखाता है, गाइड करता है, उसके वचन के अनुसार अपने आप को जांचे और करेक्ट करें। परमेश्वर ने मूसा को आवाज दी, मूसा, मूसा। मूसा ने कहा कौन? मैं इब्राहिम का, इजहाक का, याकूब का परमेश्वर यहोवा हूं, तुझे मैंने चुन लिया है। मूसा जा, मिस्र में जा। अब मैंने उन मिस्रियों की चिल्लाहट को सुना है और मैंने तुझे चुन लिया है मूसा, अब तू वहां पर जाएगा। मूसा ने कहा प्रभु मैं तो अकेला हूं। आज आपको लगता है ना अकेले हो, अगर आज आपको लग रहा है ना कि सबने छोड़ दिया, कोई मदद नहीं कर रहा, सहायता नहीं कर रहा है, हेल्प नहीं कर रहा है, मैं बढ़ नहीं पा रही हूं, मेरा परिवार विश्वास में नहीं आ रहा है, मैं करूं तो कैसे करूं, विश्वास करूं तो कैसे करूं, बनी रहूं तो कैसे बने रहूं, समझ में नहीं आता है, अकेलापन। लिखा है कि परमेश्वर के ग्रहणियों के बलिदान क्या है? वो धन दौलत नहीं, परमेश्वर के ग्रहणियों के बलिदान वो टूटा और पिसामन है। और जो टूटा और पिसामन आपके पास है ना, हमारे अंदर बस एक यही अच्छी क्वालिटी है जिसके कारण है ना प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन लेता है और हमें अपने सीने से लगा लेता है। हमारे अंदर कोई ऐसी भलाई की बातें नहीं है। हमारे लिखा है कि हमारे सारे धार्मिक काम परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान है, पोचे से भी गंदे हैं। सोच कर देखो, अगर आज मैं 10 लाख की चोरी करके 1 लाख का भंडारा करा दूं ना, तो खुदा की दृष्टि में बहुत बड़ा पापी हूं, चोर और डाकू। लेकिन मनुष्य की दृष्टि में भला बन सकता हूं, लेकिन परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है।
वो गुप्त में भी देखता है, वो चौड़े में भी देखता है, वो उत्तर दोनों तरीके से देता है, गुप्त में और चौड़े में भी। लेकिन चौड़े में किसको उत्तर देता है? चौड़े में उनको उत्तर देता है जो गुप्त में उसके साथ आंसू बहाते हैं, जो जिनका टूटा और पिसामन परमेश्वर के ग्रहणियों के बलिदान है, जो जैसे भी हैं अपनी गलती को मानकर छोड़ देते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, उनका सर चौड़े में ऊंचा करता है, ऐसा हमारे साथ हुआ है, ये गवाही है सच्ची। तो जब मूसा से बोला, मूसा तू जाएगा इसराइली को छुड़ाने के लिए, उन 25 से 30 लाख इसराइली को छुड़ाने के लिए तू जाएगा, लगभग इतने ही थे। तो मूसा ने कहा, प्रभु मैं तो अकेला हूँ, मैं कैसे जाऊँगा? प्रभु ने कहा, तू ही जाएगा, तेरा मैं अभिषेक करूंगा, तेरे को मैंने चुन लिया है, तुझे मैंने परखा है, तुझे मैंने तैयार किया है। तुझे नहीं पता था कि तू अकेला क्यों था, तुझे नहीं मालूम था कि तुझे मैंने उस राजपाट से क्यों उठाया, तुझे नहीं मालूम था कि तू इस जंगल में क्यों आया, तुझे नहीं मालूम था कि इस जंगल में तूने दुख और घटी और समस्याओं का सामना क्यों किया, लेकिन मैं जानता था, तू तैयार हो रहा था, मैं तुझे पैना कर रहा था, मैं तेरे को चमका रहा था, मैं तुझे मजबूत कर रहा था। आज खुदावन आज आपकी आत्मा को चमका रहा है मेरे भाई और बहनों, वो चमका रहा है आपको, आपके आत्मिक वरदानों को चमका रहा है। वो वरदान आपके अंदर है लेकिन उभर नहीं पा रहे हैं, उभर नहीं पा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं। वो आपको मजबूत कर रहा है, आत्मा में मजबूत कर रहा है, वो आपको चमका रहा है। आपको लग रहा है आत्मिक रूप में भी कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है, भाई मेरा परिवार नहीं बदल रहा है, मेरा लोन नहीं उतर रहा है, मेरी घटियां भरपूरी नहीं बदल रही है, मेरी समस्याओं का समाधान नहीं निकल रहा है, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, कोई मेरे दिल का हाल नहीं जान रहा है, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है मेरे को। जब ही तो कहते हैं जब सारे द्वार बंद हो जाते ना, तब खुदा का द्वार खुलता है। खटखटाओगे तो खोला जाएगा, खटखटाओ, टिकाओ घुटने खुदा के आगे, बैठो गुप्त में, प्रार्थना करो, चाहे रोना है रो, आराधना करनी है आराधना करो, लेकिन धीरज भी धरो। बहुत बड़ी योजना रखी है मेरी बहन मेरे भाई, बहुत बड़ी योजना रखी है। एक के द्वारा ही परमेश्वर को किसी बहुत बड़ी सेना की जरूरत नहीं है उन 30-40 लाख उन इसराइली को बचाने के लिए। एक मूसा ही के द्वारा खुदावन उन लोगों को, इन 30-40 इसराइलियों को उस फिरौन की सेना से छुड़ा कर लेकर आ गया था। सोचो, सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा कैसे हुआ? नम्रता और दीनता। वो परीक्षा के समय में स्थिर रहा, दुख था सहता था, चुप रहता था, पुरानी बातों को याद कर करके अपने आप को सोचता था कि हाँ मैं पहले कैसा था, आज मैं ऐसा क्यों हूं, ऐसी कौन सी क्या गलती हो गई, चलता था। लाठी भी घिस चुकी थी और बाल भी खराब हो चुके थे, कपड़ों की हालत बेकार हो गई थी, रहन सहन खाना पीना उठना बैठना सब अपोजिट हो चुका था, सब बेकार हो चुका था, शक्ल से भद्दा था और कपड़ों में से बदबू आती थी। क्यों? क्योंकि भेड़ बकरी चराई जाती थी। पहनने के लिए क्या था जब कोई साथ में ही नहीं है? बनाकर खरीद कर देगा कौन, कैसे होगा? तो कोई साथ में रखवाला नहीं था जिसके द्वारा हम अपनी दिल की बातें शेयर कर सके। खुदा जानता है आज आपकी बातों को कि कोई नहीं आपके पास शेयर करने वाला, कोई नहीं ऐसा भाई, कोई नहीं ऐसी बहन जिनसे आप अपनी दिल की बातें शेयर करो। आपके माँ बाप भी आपकी उन जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते जो आपके मन में है, लेकिन यहोवा तो आपके मनों को भी जांचता है, आपकी मन की टेंशन चिंता परेशानियों को जानता है और जांचता है, जो आप शायद दूसरों को बता भी नहीं सकते हो। मूसा के बारे में जाना, इसीलिए देखा मूसा सच में तो दीनों नम्र हो गया इन 40 सालों के अंदर, अब मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। बुलाहट की कोई उम्र नहीं होती, मूसा 80 साल का हो चुका था, 40 साल उन्होंने अपने शाही घराने में बिताए थे, रॉयल फैमिली में बहुत आशीषित जीवन बिताया था, लेकिन उन 40 साल के बाद जो बचे हुए 40 साल थे, उन 40 सालों में मूसा बिल्कुल बदल गए थे, बिल्कुल बदल गए थे, उनका मन उनके विचार उनके काम बिल्कुल दीन और नम्रता में, समझ लो कि जैसे इतना दीन और नम्र, जैसे कि हमारे यीशु मसीह के चलते चलते हुए सामने वाले व्यक्ति नहीं चलते फिरते लाफा मार दिया था, चलते सिपाही ने चांटा मार दिया मुंह पर और यीशु ने कुछ नहीं कहा। सोचो इतने दीन और नम्र बन गए थे मूसा। आज हम बड़े बड़े काम कर लें, संसार की सारी दौलत प्राप्त कर लें, अगर प्रेम ना रखें तो कोई फायदा नहीं। ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है, ऐसा लिखा है, और प्रेम के कारण ही ये नम्रता और दीनता आती है, प्रेम ही तो जड़ है। अगर आपकी मम्मी ने, अगर आपके भाई ने, अगर आपके दोस्तों ने आपके साथ गलत बर्ताव किया और आप सही हो, अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप माफ भी करोगे, प्रेम है तो नम्रता भी दिखाओगे, प्रेम है तो दीन भी करोगे। ये नहीं कि किसी ने गुस्सा कर दिया, चाहे आपका बेटा है, चाहे आपका बाप है, चाहे आपका कोई भी है, गुस्सा आ गया बस गर्दन काट दी,
नहीं, ये परमेश्वर का गुण नहीं है। प्रभु ने तो अपनी जान तलक दे दी। प्रभु ने आंख के बदले आंख नहीं किया, प्रभु ने चांटे के बदले चांटा नहीं किया, प्रभु ने थूक के बदले थूका नहीं, प्रभु के मुंह पर थूका गया। यीशु मुस्कुराता रहा, यीशु के चांटा मारा गया, यीशु आंखें बंद आंखें नीचे करके जमीन की ओर ताकता रहा। क्या हो रहा है मेरे साथ प्रभु? कोई नहीं, और दीन और नम्र बन, और दीन और नम्र बनना है प्रभु। मैं तेरा पुत्र हूं, मैं चाहूं तो दुनिया को तबाह कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं नम्रता और दीनता को प्रकट करूंगा, क्योंकि तू मेरा बाप है और तेरे अंदर ये गुण है। मैं तुझे प्रकट करूंगा कि तूने मुझे भेजा है और तेरे ही गुण है ये, चाहे मेरी जान क्यों ना जाए, मेरी जुबान से एक भी छल की बात नहीं निकलेगी प्रभु। लास्ट में यीशु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अकेला रह गया यीशु, क्यों रह गया अकेला? लेकिन कुछ समय तक रहा अकेला, उसके बाद परमेश्वर ने पता क्या कहा? जब तक तेरे पास नहीं आएगा ना कोई यीशु मेरे पुत्र, तब तक मेरे पास भी नहीं आ सकता। यीशु तू ही है रास्ता स्वर्ग का, तू ही है रास्ता मेरे पास आने का। अगर कोई मेरे पास स्वर्ग में आना चाहता है ना, तो उनको पहले तेरे पास आना पड़ेगा। हर एक घुटना तेरे आगे टिकेगा, हर एक जुबान ये अंगीकार कर लेगी कि यीशु मेरा प्रभु है, तब वो मेरा पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर ने यीशु को मसीह ठहराया और प्रभु भी, और उसकी महिमा भी की। क्या खुदा आपकी महिमा नहीं करेगा? खुदा ने मूसा की महिमा की, मूसा को सामर्थ से अभिषेक किया, 10 विपत्तियों को भेजा मूसा के द्वारा, लाठी के द्वारा, जो लाठी घिस चुकी थी, जो आपके अधिकार कमजोर पड़ गए थे, आपकी हड्डियां कमजोर पड़ गई थी, कांपती थी, डर था, थरथराहट थी, या आप अंदर डर के मारे छुप जाते थे, या कुछ कर नहीं पाते थे, या किसी प्रकार का कोई भी निर्बलता थी आपके जीवन में, उसके अंदर परमेश्वर आप अपनी सामर्थ प्रकट करेगा। मूसा की निर्बलता में परमेश्वर मूसा की सामर्थ बना। सोचो कब, कैसे, जब वो दीन और नम्र बना, टेस्टिंग के समय पर वो चुपचाप रहा। आपको चुप रहना है, क्षमा करना है, दया करनी है, अनुग्रह करना है, माफ करना है। अगर आपको रोना है ना, तो खुदा के सामने आकर रहो, वो आपके आंसू को तुच्छ नहीं जानेगा, क्योंकि लिखा है तेरे आंसू को मैंने अपनी कॉपी में भरा है। अगर 4 आदमियों के आगे अगर आप आंसू बहाओगे ना, तो शायद आज पोछे कल पोछे, लेकिन रोज रोज नहीं पोछेंगे। लेकिन हमारा खुदा रोज कॉपी में भरता है, रोज हमारा बोझ उठाता है। अगर आज आप बोल दो ना, मेरे भाई ये थोड़ी देर बैग वहां से यहाँ तक ले जाओगे, यहाँ से वहां तक ले जाओगे, बहन मैं बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मतलब खुदा हमारा रोज बोझ उठाता है, रोज हमारे आंसू पोंछता है, रोज हम गिर जाते तो उठाता है। आज इंसान क्या करता है, एक दूसरे को गिरा देता है, अड़ंगियां देते हैं कि तू ऐसी तो तेरा बाप ऐसा, तू ऐसी तो तेरी माँ ऐसी, एक दूसरे को गिराते हैं। दूसरों की खुशी को देखकर इंसान खुश नहीं है। अगर किसी ने एक चाटा मार दी तो उसके ऊपर 4 चाटे मारने के लिए तैयार है, आंसू बह रहे हैं तो और बहाते हैं, और जलील करते हैं, और बुराइयां करते हैं, और दोष लगाते हैं, और कमियां निकालते हैं, अपने आप को सही ठहराते हैं। हम लोग मनुष्य जाति है ना, लेकिन खुदा नहीं है ऐसा। वो चाहता है कि तू दीन और नम्र बने, ताकि मैं तुझे ऊंचा उठाऊं। जितनों के बीच में बेइज्जती हुई है सदा के घमंड का कारण ठहराऊं, लेकिन बेटा करना तुझे अपने हिस्से का काम है, तब मैं काम करूंगा। ताली दो हाथ से बजती है। तब मूसा को परमेश्वर ने कहा, मूसा से परमेश्वर ने कई बार बोला, मूसा तू जाएगा, मूसा ने मना कर दिया, प्रभु मैं तो हकला हूं, मैं तो बात भी नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको लगता है कि आपको बोलने का ढंग नहीं है, सुसमाचार कैसे सुनाओगे, आपकी कोई सुनता नहीं है, तो खुदा आपकी सामर्थ बनेगा। यहोवा ने मूसा से कहा कि तेरे मुख के द्वारा होकर मैं बोलूंगा। अब ये मुख तेरा नहीं है, अब ये मेरा है। क्यों? क्योंकि तेरा जीवन मुझे ग्रहण योग्य हुआ है, तूने मेरे अनुसार जीवन बिताया है। जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा, खुदावन ने साफ बोल दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, तेरा युद्ध वही लड़ेगा। सोचो, खुदावन आज हमसे साफ कहता है। अब बात सारी ये है कि क्या उसके अनुसार हम एज़ इट इज़ करने के लिए तैयार हैं या नहीं। प्रभु ने फिर से कहा, मूसा तू ही जाएगा? नहीं प्रभु, मैं तो शकल का भद्दा हूं, मेरे को तो बोलने भी नहीं आता है। क्या मनुष्य का मुंह मैंने नहीं बनाया? तू चल तो सही। मूसा को परमेश्वर ने भेजा। फिरौन ने मजाक उड़ाया, मूसा को भगाया। मूसा को कहा, अच्छा मेरे दास का मजाक तूने कैसे उड़ा दिया? मूसा भविष्यवाणी कर। उसी समय मूसा के द्वारा भविष्यवाणी करवाई। एक विपत्ति आई, 2 आई, 3 आई, 5 आई, 10 आई, कितनी सारी विपत्तियां आई। जनरेशन तरक नाश हो गई थी मेरे भाई और बहनों। खुदा के लोगों को जब उंगली उठाई थी,
फिरौन को रथों समेत रथी के द्वारा भी परमेश्वर ने समुद्र में डुबा दिया था। क्यों? क्योंकि खुदा के जन पर उंगली उठाई थी, मूसा पर। आप और मैं खुदा की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हैं। अगर हमारे बारे में अगर किसी ने गाली बक भी दी ना, तो खुदा उसका भी न्याय करता है। अगर हमें कोई आशीष देना है ना, तो खुदा उसका भी कर्जदार नहीं है, तो वो खुद आशीष भी पाएगा। अगर हमें अच्छी बातें बोल बोलकर हमारी बड़ाई, मतलब हमें आशीष दे रहा है कि तुम्हारा भला हो, तुम भले चंगे रहो, तो वो खुद अपने लिए भी यही आशीष खोल रहा है कि हाँ भाई, मैं भी भला चंगा रहूंगा, मुझे भी आशीष मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने प्रभु के लोगों को आशीष दी है, अच्छे शब्द बोले, उनको वरदान दिया, उनको आशीर्वाद दिया है, तो मुझे भी आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि लिखा है, जो जैसा बोता है वो वैसा काटेगा। तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 विपत्तियां भेजी, मूसा के द्वारा समुद्र को 2 भाग किया, मूसा के द्वारा पानी को लाल किया, मूसा के द्वारा इतने बड़े बड़े काम किए। मेरे भाई और बहनों, आज वो आपके द्वारा काम करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि बेटा, जिस सिचुएशन परिस्थिति में तू है, मजबूत हो जा, हियाव बांध, अपने माथे को दृढ़ कर, अपने घुटनों को मजबूत कर, अपने हाथों को कड़ा बना और मेरे वचन के अनुसार चल। लोग ये शैतान की बातें और ऐसी विचार, ऐसी अभिलाषा तुझे गिराने और डगमगाने ना पाए। ढांढस बांध, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। तू अकेली नहीं है, तू अकेला नहीं है। जब मैंने मूसा के द्वारा काम किया, दाऊद अकेला गया था युद्ध लड़ने के लिए। दाऊद देश में कोई लड़ने वाला नहीं था, उस गोलियत से दाऊद गया आगे। दाऊद कैसा था? उसके चेहरे से लाली चमकती थी, मतलब उसकी तो दाढ़ी मूछे भी नहीं आई थी। लगभग मान लो 15 से 18 के बीच में उसकी उम्र होगी, और उसको तो बस भेड़ बकरी चराने ही आती थी। अकेला था, भाइयों ने भी मजाक उड़ा दिया, अरे तू लड़ेगा क्या गोलियत से? अरे जा, ऐसे तो कोई लड़ने वाला नहीं, ऐसे तो हम नहीं लड़ पाएंगे, तू क्या लड़ेगा? हमने इतने सालों से प्रैक्टिस की है, तलवार वाले चलाए हैं, हम तो नहीं लड़ने जा रहे, तू लड़ेगा? हाँ मैं लड़ूंगा। तू कैसे लड़ सकता है? तुम्हें होगी जरूरत भाले और तलवार और झिलम की, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। दाऊद उसी समय उस लड़ाई में उतर बैठा, और हुआ क्या, 5 चिकने पत्थर उठाए, वो पत्थरों से नहीं मरा, वो यहोवा की सामर्थ से मरा था। कैसे? यहोवा ने उस गोलियत को दाऊद के वश में कर दिया। जैसे परमेश्वर ने दाऊद को उस समय भी बचाया था जब भालू और शेरों से वो घिरा हुआ था। क्या भालू और शेरों से आप और मैं लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। मैं कह रहा हूं, कितना ही बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर आ जाए, वर्ल्ड का फेमस बंदा आ जाए, वर्ल्ड का ताकतवर व्यक्ति आ जाए, तब भी वो शेर से नहीं लड़ सकता। शेर 2 हिस्से कर देगा, फाड़ कर सुखा देगा, कुछ नहीं कर सकता इंसान एक शेर के सामने भी। तो हुआ क्या, दाऊद जिसकी उम्र बहुत कम थी, लगभग मान लो उसने 10 से जैसे उदाहरण के तौर पर 10 से लेकर 18 साल की उम्र के बीच में उसने शेर और भालू को मार दिया था। यूं ही मार दिया था, क्योंकि यहोवा उसके साथ था। उसके पापा भी उसको नहीं बचा सकते थे, उसके भाई भी उसको नहीं बचा सकते थे, बचाने वाला कौन था? परमेश्वर। अगर आज आपको लग रहा है कि आपकी समस्या शेर और भालू की तरह आपके ऊपर हावी हो रही थी, आपके विरोध में लोग खड़े हो रहे थे, तो ध्यान रखना, अब बस वो विश्वास का पत्थर जरूरी है और सेनाओं के यहोवा का नाम जरूरी है, और उसके अनुसार चलना जरूरी है। युद्ध आपका लड़ने वाला परमेश्वर, आपको खड़े खड़े देखना है कि खुदा आपके वश में आपकी परिस्थितियों को कैसे करता है, और शैतान को आपके पैरों तले की चौकी कैसे बनाता है, और सदा के घमंड का कारण कैसे ठहराता है। दाऊद आगे बढ़ा और 5 पत्थर उठाए, उसमें से 1 पत्थर लिया, और दाऊद ने अपनी गुलेर में फंसा कर उस गोलियत के माथे के बीचों बीच मारा, और लिखा है गोलियत मुंह के बल गिर पड़ा। उस समय वो मरा नहीं था, उस समय वो जीवित था, जिंदा था, लेकिन उसको उसी की तलवार के द्वारा मार दिया। सुनना ध्यान से, समझने की कोशिश करना, प्रभु ने शैतान को आपके वश में यहां तक कर दिया है कि आप उसी के हथियार से उसी को नाश कर सकते हो, उसी की युक्ति में उसी को फंसा सकते हो। लेकिन कब? अगर दाऊद का भरोसा उन तलवारों और भालों पर रहता, तो वो गोलियत को नहीं मार पाता। अगर दाऊद का भरोसा उस ढाल पर और उन हथियारों पर रहता, या वो रक्षा कवच पर रहता, तो वो उसको नहीं मार सकता था, क्योंकि दाऊद ने उनको कभी चलाया भी नहीं था, तैयारी भी नहीं की थी। सोचो, लेकिन दाऊद की तो चलो बात अलग है, लेकिन जो वहाँ के जो देश के लोग थे, उनमें से कोई भी लड़ने वाला तैयार नहीं था। वो सब तो अनुभवी थे, सबको तलवार भाले चलाने आते थे, लेकिन फिर भी वो नहीं लड़ पाए। क्यों? खुदा दाऊद का सर ऊंचा करना चाहता था, क्योंकि उस जगह पे सिर्फ एक ही व्यक्ति, वो था दाऊद, जो दीन और नम्र था, भेड़ बकरियों को चराता था, अपने काम में व्यस्त रहता था, खुदा का धन्यवाद करता था, और उसी को खुदा ने राजा बना डाला। सोचो, खुदा चाहता है आपका सर ऊंचा करना,
बड़े बड़े काम करवाना चाहता है खुदावंद आपसे। अकेले नहीं हो, दाऊद अकेला नहीं था। यूसुफ को जब जेल में डाल दिया गया था वो अकेला नहीं था, यहोवा उसके साथ था, यहोवा उसके साथ था। उसने यहोवा से लड़ाई नहीं करी, बुराई नहीं करी, उसने यहोवा पर दोष नहीं लगाया कि प्रभु तेरे को जानने के बाद भी, तेरे अनुसार चलने के बाद भी मैं जेल में क्यों आ गया, मुझे झूठे केस में क्यों फंसा दिया। लेकिन फिर भी यहोवा उसके साथ था, उसने परमेश्वर की बुराई नहीं करी, वो चुप रहा, धन्यवादी रहा। यहोवा ने उसको दर्शन दिया, वो जो दर्शन दिया उस दर्शन को यहोवा ने पूरा भी किया, क्योंकि यहोवा परमेश्वर है। और दर्शन क्या था? बड़े बड़े काम परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखे हैं मेरे भाई और बहनों। प्रभु जो दर्शन दिखाता है अपनी महिमा के लिए, वो आपके जीवन में अब जो भलाई के दर्शन है उनको पूरा करना चाहता है। अब उन दर्शनों को पूरा करने के लिए भी तो अपने हिस्से का काम करना है ना। तो यूसुफ कहाँ, वो एक रात पहले जेल में पड़ा था, उसको अगली रात, अगले दिन सुबह होते के साथ ही उसको राजा बना डाला। कब, कैसे? नम्रता। खुदा परखता है, लेकिन कई बार शैतान भी मनुष्य को ऐसी अभिलाषाओं में फंसा देता है कि इंसान खुद अपनी अभिलाषाओं के कारण परीक्षा में पड़ जाता है। अभी ये बात आपको जांचनी है कि आपकी परख किसकी ओर से है, शैतान की या परमेश्वर की। भले ही चाहे शैतान की ओर से थी, लेकिन फिर भी आपको दीन और नम्र बनना है, क्योंकि यही तरीका है उस परीक्षा पर जय पाने का और आगे बढ़ने का, नेक्स्ट क्लास में जाने का। प्रभु आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो। मेरी बहन, मेरे भाई, ध्यान रखना, प्रभु आपके पास में है। छोटी सी प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करें। पिता, देख ये तेरी बेटी है और ये तेरा बेटा है। प्रभु इनको आशीष दे, इनका विश्वास मजबूत कर, इनको अपनी आत्मा से भर। प्रभु भर रहा है, प्रभु का अभिषेक, प्रभु का अभिषेक तेरे नियरेस्ट है, तेरे कमरे में आ चुका है। खुदावन तेरे पास चल रहा है, वो तेरे पास बैठा है, वो घुटनों के बल आ चुका है तेरे लिए। वो तेरे लिए तुझसे कहता है, देख तेरे आंसू को मैंने देखा है, तेरे आंसू को मैंने अपनी कुप्पी में भरा है। और वो पिता से कह रहा है, पिता अनुग्रह कर, परीक्षा में इनको स्थिर कर, ताकि ये जीवन के मुकुट को पाए। प्रभु मैंने इनके लिए प्रार्थना की है, यीशु आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, वो अपनी सामर्थ से भर रहा है आपको, आपके सर पे टच कर रहा है, आपके हाथों पे छू रहा है, आपको अपने अभिषेक से भर रहा है, आपको मजबूत कर रहा है, आपको अपनी सामर्थ से भर रहा है, वो मजबूत कर रहा है आपको। आपको कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपने धर्मी मैं दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा, तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, तेरी घटियों को भरपूर ये बदलूंगा, मेरी ओर ताक, मनुष्यों की ओर मत जा, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, मैंने तुझे सर ठहराया, पूंछ नहीं मैंने तुझे ऊपर रखा है, नीचे नहीं, तेरे आंसुओं के बदले मैं तुझे दुगना भाग आदर का दूंगा, जितने तूने आंसू बहाए हैं उतने वर्ष मैं तुझे आनंद दूंगा। प्रभु आज कहता है, देख तेरे आंसू को मैंने देखा है, तेरी प्रार्थना मैंने सुन ली है, तेरे दान मेरे ग्रहणियों के उपस्थित हुए हैं, तेरी प्रार्थना का उत्तर तुझे मिलने पर है, बस बनी रहे, बना रहे। प्रभु आप बहुत अभिषेक से भर रहा है आपको, बहुत अभिषेक से भर रहा है, आंखें बंद करके रखो, देखो भर रहा है आपको, टच कर रहा है, अपनी सामर्थ से भर रहा है, अपनी आत्मा से भर रहा है, वो वचनों की गहरी प्रकाशनों से, रेवलेशनों से भर रहा है, वो आपको तैयार कर रहा है, उस कुर्सी पर वो आना चाहता है, जिस कुर्सी पर आपकी पुराना मनुष्य था, पुराना चाल चलन, पुरानी अभिलाषाएं, पुराना व्यवहार था, उसको हटाओ, बोलो प्रभु मैं खाली करता हूँ अपने आप को, प्रभु तू मुझे अपनी आत्मा से भर, प्रभु तू मेरे द्वार के पास खटखटा मत, वरन तू अंदर आ, मैं तुझे पुकारता हूँ, आज अपनी बुराइयों को छोड़ देती हूँ प्रभु, मैं नम्र और दीन करती हूँ अपने आप को, तू मुझे ग्रहण कर मैं जैसे भी हूँ। प्रभु बहुत प्यार करता है आपसे, आप आंखें बंद करके रखना, अपना सर ऊपर की ओर उठाओ, सर ऊपर की ओर उठाओ, आंखें बंद करके रखो, देखो उसका अभिषेक, उसका हाथ, वो रोशनी आ रही है आपके पास, आपको वो टच कर रहा है, भर रहे हो आप, आपकी जुबान हिल रही है, आपके हाथ परमेश्वर के अभिषेक को महसूस कर रहे हैं, आपके सर पर प्रभु का आत्मा छू रहा है, आपकी बैक पर छू रहा है, आप आजाद हो रहे, आप छुटकारा पा रहे हो, छुटकारा आपका है, बोलो मैं भर रही हूं, मैं आशीषित हो रही हूं, मेरे रास्ते खुल रहे हैं, प्रभु आपके साथ में है, वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो एक बात कहता है आपसे, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी, मत डर, विश्वास बढ़ा और मेरे पास फिर आ जा। आमीन। तुझे मैंने कभी अकेला नहीं छोड़ा है और ना ही कभी छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूँ।